दोस्तों वॉर एक ऐसा टर्म है जो किसी भी देश की इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज को बर्बाद कर सकता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियोज मिलने वाली है। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। देखिए, अगर वॉर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वॉर जहाँ भी होती है वहाँ नुकसान तो होता ही, ऑब्वियसली बहुत सारे जवान इसमें शहीद होते हैं और बहुत सारी जान माल को भी हानि होती है। लेकिन अगर बात करें रशियन पर्सपेक्टिव की, तो रशिया के किस्मत के अंदर शायद वॉर से होने वाले कॉन्सिक्वेंस इतने बुरे भी नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, रूसो यूक्रेन वॉर की अगर बात की जाए तो रूसो यूक्रेन वॉर के कॉन्सिक्वेंस यूक्रेन पर तो पड़े ही हैं, लेकिन रशिया की बजाय जो थर्ड पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है जैसे यूरोप और यूएस, उन पर सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस पड़े हैं। अगर बात की जाए टोटल वेल्थ लॉस की, तो यूएस ने इस वॉर की वजह से अपनी 5.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ खोई है। वहीं अगर यूरोप और यूएस की कंबाइंड वेल्थ की बात की जाए तो 10.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ यूरोप और यूएस ने कंबाइंड रूप से खोई है। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो उल्टा रशिया ने इस वॉर के अंदर 600 बिलियन यूएस डॉलर की जो वेल्थ है वो अपनी ओर खींची है, यानी कि रशिया को इस वॉर से 600 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है। वैसे अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग अमाउंट बताया जा रहा है, लेकिन एक लमसम अमाउंट हम पकड़ करके चल सकते हैं जो बहुत सारी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि करीब 600 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रशिया को फायदा हुआ है। और इसकी मुख्य वजह है कि जो भी यूक्रेन के एरिया रशिया ने कब्जा है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल मिले हैं और वहाँ की जो लैंड है वो भी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। इसका मतलब है कि वहाँ पर अनाज की पैदावार भी अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से रशिया उसे एक्सपोर्ट कर सकता है। और बाकी बहुत सारे मिनरल ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से रशिया इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करके बहुत ही ज़्यादा जो अमाउंट है वो अपनी ओर ग्रहण कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए रशियन मिलियनियर की, तो बहुत सारे ऐसे मिलियनियर हैं जिनकी वेल्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और बहुत सारे मिलियनर रशिया में बढ़े हैं। वॉर की वजह से मिलियनर कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिलियनर बढ़े हैं, इसका मतलब रशिया ने बहुत सारी वेल्थ अपनी ओर आकर्षित की है। वैसे आपको भी नहीं लगता है कि रशिया को ये सारे कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ते अगर दुनिया के अंदर भारत और चाइना जैसे देश नहीं होते? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट में नीचे मेंशन जरूर करिएगा। और बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।